हेलो दोस्तों, आइए आज हलवाइयों वाला तीमा समोसा बनाते हैं। बहुत ही क्रिस्प बनेगा, मज़ेदार बनेगा और आपको यकीन नहीं होगा कि ये आपने ही तैयार किया है। बस एक दो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसे फॉलो करें और फिर बड़े आराम से आप समोसा बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। पैन में लगभग 4 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल को गरम कर लिया है मैंने और उसमें ये थोड़ा सा लौंग इलायची और दालचीनी मैंने डाला है। अब यहीं पर पहले से कटी हुई सब्जियों को इसमें डाल देना है। कीमा डालेंगे, बीच में सेंटर में थोड़ी सी जगह बना लेना है और ये हमारा होममेड कीमा है जिसे मैंने मटन की 5 बोटियों से तैयार किया है। और अब इसे फिर से हम थोड़ा सा पलट देंगे। कई बार कीमा पकाने के वक्त जब कीमा इकट्ठा हो जाता है तो लोगों को इसकी बड़ी पिटाई करनी पड़ती है। अगर इसे छोड़ दिया जाए तो ये खुद ब खुद मॉइस्चर की वजह से इकट्ठा नहीं होता। आप देख सकते हैं कि कीमा ने अपना काफ़ी पानी रिलीज़ किया है, तो अब सभी चीज़ों को मिलाया जा सकता है। अब यहाँ पर हम कीमा में कुछ मसाला और नमक मिलाएंगे। तो 1/4 टी स्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1/4 टी स्पून ही धनिया पेस्ट है, धनिया पाउडर है, 1/4 टी स्पून मिर्च पाउडर, 1/4 टी स्पून ही हल्दी पाउडर और 1/4 टी स्पून ही गरम मसाला पाउडर। साथ में स्वाद के अनुसार नमक मिला लेना है। यहाँ भी मैंने 1/4 टी स्पून ही नमक मिलाया है। आँच को मैंने लगातार लो रखा है, इसे एक बार मिला लेना है अच्छी तरह से। अब आप देख लें आपका कीमा कितनी देर लगाता है गलने में। मैं इसे ढककर बनाऊंगी तो इतने ही पानी में ये तैयार हो जाएगा। ये 5 मिनट से कीमा पक रहा है और अब अच्छा खासा गल भी चुका है, तो यहाँ पर हम इसमें पिसी हुई टमाटर का पल्प डालेंगे। तो हमारा कीमा तैयार हो चुका है। अब हम मैदे का डो बना लेते हैं जिसमें हमें कीमा की स्टफिंग करनी है समोसा बनाने के लिए। अब समोसा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 150 ग्राम मैदा लिया है, 1/8 टी स्पून खाने वाला सोडा है जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं, 1 चुटकी यहाँ पर हमने ब्लैक सीड्स जिसे कलौंजी कहते हैं लिया है, इससे समोसे में अच्छी खुशबू आती है और ये हाजमा भी होता है। अब यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून भरकर घी लिया है। आप घी की जगह तेल या बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहीं पर हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इस्तेमाल कर लेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और ठंडे पानी से हम इसे गूंथ लेंगे। ठंडे पानी से मतलब है थोड़ा सा ठंडा पानी, ज़्यादा चिल्ड वाटर नहीं होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए बस।
यहाँ पर हमने एक कप पानी लिया है जिसमें एक चौथाई कप फ्रिज का पानी है ताकि पानी थोड़ा ठंडा रहे। ऐसा करने के पीछे पर्पस ये है कि आटे का टेम्परेचर थोड़ा नीचा हो जाए और जब हम इसे समोसा बनाने के बाद फ्राई करें तो बॉइलिंग पॉइंट नीचे रहे और तेल में ज़्यादा देर तक फ्राई किया जाए, इससे समोसा क्रिस्प बनता है। अब इसे 10-15 मिनट तक रेस्ट पर छोड़ देना है। इतने आटे का मैंने यहाँ पर 6 पेड़ा बनाया है। ये आम समोसे से थोड़ा ज़्यादा दमदार और बड़ा बनेगा। तो इस तरह से हमने बड़ी बड़ी पूरियां बेल ली हैं। आप देख सकते हैं मैंने सभी पूरियों को बेलकर तैयार कर लिया है। अब इन पूरियों पर 1 टेबल स्पून भरकर हमें कीमा डाल लेना है। किनारियों पर पानी लगा लेना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और इसका मुंह खुले नहीं। अब इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है, वही पुराना तरीका। और हमारे पास ये रिंग है काटने वाला, जिससे काम करना थोड़ा आसान हो जाता है। आप इसे किसी तरह से भी काट सकते हैं और इसकी किनारियों को पुराने ढंग से मोड़ भी सकते हैं। तो बाकियों को भी इसी तरह से हमें कर लेना है। अब सारे समोसे रेडी हो चुके हैं तो इन्हें फ्राई कर लेना है। मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है तो चलिए इन्हें फ्राई करते हैं। आंच को बिल्कुल धीमा रखना है। 1 मिनट गुजर चुका है और अभी हमने समोसे में छेड़छाड़ किया नहीं है, पलटा नहीं है, तो अब इसे पलट लेना है और इसमें एक अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाने देना है। दोस्तों, हलवाइयों वाले समोसे के जैसे बनाने के लिए बस यही एक ट्रिक काम करता है कि इसे धीमे आंच पे तला जाए और ज़्यादा से ज़्यादा देर तक तेल में ये पड़ा रहे। इसके लिए हमने इसे ठंडे पानी से गूंथा था ताकि तेल का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाए और ये देर तक तेल में पकता रहे। ये हलवाइयों वाली ट्रिक से आप भी समोसा बना कर देखें, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खस्ता, और ये पचकता नहीं है। आप इसे ओवरनाइट भी रख दें तो ये फूला ही रहता है, बस ठंडा। तो दोस्तों, अब ये लगभग रेडी है, हमें इसे निकाल लेना चाहिए। ये 2 स्पॉट है जिससे आप इसके खस्ता होने का अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ और यहाँ।